ज्यादातर हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन के वजह से ही हम दुखी होते हैं। अगर जो चीज जैसी है वैसी हम एक्सेप्ट कर ले तो दुखी नहीं होंगे, लेकिन उसमें क्या है कि हमें जैसा उसमें एक्सपेक्ट करते हैं उस तरह की वो चीज होनी चाहिए, ये जो हमारी थिंकिंग है ना उसकी वजह से हम दुखी रहते हैं। तो ये एक्सपेक्टेशन जो होती है वो हमें नहीं करनी है, एक्सेप्ट करना सीख लेना है। अगर एग्जांपल दूं तो मान लीजिए अगर आप मोटे हो तो ये सोचते हो कि नहीं, मुझे मोटा नहीं होना चाहिए था, मुझे पतला होना चाहिए था, तो आप एक्सेप्ट कर लो आप मोटे हो। और बाद में जाके अगर आपको पतला होना है तो उसके लिए मेहनत करो। सिंपल वे, आप एक्सपेक्ट मत करो कि मुझे ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था। और दूसरा, मान लीजिए कोई आप बिजनेस कर रहे हो तो उसमें कुछ लॉस हो जाए तो फिर आप ये एक्सपेक्ट करते हो बाद में कि ये हम नहीं किया इसलिए ये हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो वो सब छोड़ दो, सिर्फ एक्सेप्ट कर लो कि आपने वो बिजनेस किया, ट्राई किया और आपको लॉस गया। अब इसका सॉल्यूशन क्या है वो ही सोचना है। तो चीजें बहुत आसान हो जाएगी अगर आप एक्सपेक्ट के बजाय एक्सेप्ट करना सीख ले। तो जो चीज जैसी है वैसी एक्सेप्ट कर लो तो आपको तकलीफ नहीं होएगी। और अगर आप सभी चीजों में या फिर किसी भी क्या है इंसान से भी आप एक्सपेक्टेशन रखोगे तभी जाकर वो कभी ऐसा होता है कि वो एक्सपेक्टेशन आपकी फुलफिल नहीं होती है तो आपको दुखी करती है। तो एक्सपेक्टेशन से हमेशा दूर ही रहो और जो चीज़ और जो इंसान जैसा है वैसे ही उसको एक्सेप्ट करना सीख लो तो आप बहुत खुश रहो। देखो दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ। एक आदमी है, वो रोज सुबह मेडिटेशन करता है। उसी समय उसकी बीवी जो है उनकी बहन के साथ फोन पर बहुत जोर से जो ऊंची आवाज से बात करती है तो उस आदमी को इससे डिस्टर्ब होता है। तो वो आदमी बोलता है कि ये जब मैं मेडिटेशन करता हूँ तभी इनको बात करनी होती है। और उसी टाइम सब्जी बेचने वाला भी वहाँ से निकलता है तो वो भी जोर जोर से चिल्लाता है। तो क्या है कि अगर उस आदमी को पूछा कि ये भी जोर से चिल्लाता है तो इससे डिस्टर्ब नहीं होता है, तो उसने आंसर दिया कि ये तो उनका काम है, उनका बिजनेस है, ये वो करता है, तो वो तो चिल्लाएगा ही। जो कि जो सब्जी बेचने वाला है उनकी आवाज़ जो है वो जो अपनी बीवी है उनसे तो ज़्यादा ही है, लेकिन फिर भी उसको डिस्टर्ब अपनी बीवी से हो रहा है क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा है अपनी बीवी से कि उस टाइम वो आवाज़ ना करे। और जो सब्जी बेचने वाला है उसको उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो ऐसा ही है, उसका धंधा है तो वो आवाज़ करेगा ही। तो एक्सेप्ट कर लिया तो वो तकलीफ नहीं कर रहा है और वो अपनी बीवी से एक्सपेक्ट कर रहा है कि उस थोड़े टाइम के लिए वो मौन रहे। तो एक्सपेक्टेशन ही हमें दुखी करती है, एक्सेप्ट कर लेते हैं तो दुखी नहीं होते हैं। यही है, हो गया ये मोटिवेशन आज का। तो अभी तो पवन तो बहुत ज़्यादा चल रहा है और क्या है कि नीचे से सीधा उठकर ऊपर आ गया हूँ, बाल बाल भी ऐसे ही चल है। अभी थोड़ा टाइम कम मिल रहा है क्योंकि मेरा जो दादी माँ है वो तो अभी बुआ के घर है, वहाँ रिसेंटली मैरिज खत्म हुआ है। तो सुबह सुबह थोड़ा बच्चे को क्या है कि अगर उठ ना जाए तो वो भी देखना रहता है, तो थोड़ा टाइम इस वजह से मेरे लिए कम मिल रहा है वर्कआउट या ऐसा कुछ चलने के लिए, वरना तो चलता रहता हूँ। तो ऐसा है। और हाँ, आज के दिन वीडियो में बने रहिए। आज एक इंटरेस्टिंग बात टॉपिक पे मैं मेरी पर्सनल एक जो है थिंग्स वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो बने रहिए एंड तक, मिस मत कीजिए। तो ये है जो हमारा गार्डन एरिया बनाने का है उसका अपडेट। तो ये दो दीवार हो गई है और ये जो दीवार है अभी बाकी है थोड़ी, यहाँ पर भी आएगी तीसरी दीवार। तो ये इतना हुआ है, ये छोटी सी भाखरी बच्चे के लिए और ये हमारे लिए। तो क्या करे, जय श्री कृष्ण मम्मी, क्या हमसे तो वांधो नहीं। बच्ची अभी सोने का नाटक कर रही है, जैसे तो उठ गई है लेकिन सो रही है। अब तो जल्दी उठ गया है बच्चे, सुबह सुबह नाश्ता कर रहा है। दिव,
इसके पीछे हमें भी खेलना पड़ता है, तब जाके नाश्ता करते हैं। ये चाहिए, ये लो इसको दो। मथना पड़ता है, वैसे वैसे नहीं खाते आजकल के बच्चे। और ये भाखरी का चूरमा बना के उसमें दूध डाल के खिला रहे। शिवा दादी माँ नहीं है तो काम थोड़ा बढ़ गया है, बच्चे को संभालना होता है तो मम्मी बच्चे को लेके बाहर गए है और अभी ये पोता कर रहे। टीचर मने मारी बुक तो आपो, मने केम मारे लखू आमा लेसन करवो प्लीज। हूँ मोबाइल मुकिया लाओ, हालो हमें हमें मुकिया मारू लेसन पूरु कर। तो ये टीचर हमें पढ़ा रहे है ABCD। हाँ क्या पढ़ना है वो, ये इनका बोर्ड है। नहीं हमने खाली पकड़ो छे वीडियो थोड़ा उतारू बेटा, એમનેમ છે લાઈ તો હું આ બાજુથી સામેથી જોતો હોય ને હરખો ઉતરે ને હું ABCD લખું ને, ક્યાં લખું મેં બેટા? એ સોરી હું તો, તમે તો ટીચર છો, મને ભૂલાઈ જાય છે કા, હું ટીચર ભાઈ નહીં છું, હું સ્ટુડન્ટ છું। ક્યાં હિન્દીમાં, હિન્દીમાં બોલું ટીચર કે ગુજરાતીમાં બોલું? ગુજરાતીમાં। ટીચર મને શું ભણાવો છો તમે, શું શીખવશો? એવું શું હોય તમને એવું શીખવો? અમારે ટીચર બને છે ઓર યે ઉનકા બોર્ડ હે, વિડિયો નથી ઉતારતો હું તો જોઉં છું ખાલી। ઇસકો દો બાર મધ ચટાય ના તો યે મધ કી બોટલ કી તરફ બાર બાર ઉંગલી કર રહા હે, યે ખાના યે ખાના હે। बहुत ज्यादा नहीं खाना बेटा, कोकिल कंठी हो जाओगे फिर। हाथ से वैसे तो बहुत चिल्लाते हो तो हाथ से नर्वे हो जाओगे। तो ये साफ सफाई का टाइम है। हम कान से नवरे हो जाएंगे। हाँ हम कान से नवरे हो जाएंगे और तुम हाथ से नर्वे हो जाओगे। वैसे तो चिल्लाते ही हो पूरा दिन, किसी की सुनने नहीं देते। तो इस तरह का है, एंजॉय कर रहे हैं बच्चे के साथ, बिल्ली काम के साथ एंजॉय कर रही है। इसको कुछ ना कुछ वो क्या है देखो, ये सही है, देख रहा हूँ मैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है। करो ऐसी लकड़ी किस किस के घर में है, हमारे जो दादा के पापा के उम्र के जो लोग थे ना वो, और हमारे दादा की उम्र के लोग अभी भी ये यूज करते हैं। वो है मेरी सिस्टर का बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे हमारी बहन है को, आपकी ननंद को बोलना हूँ, बोल दो हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे दीदी। मम्मी बोल दो आप भी हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। वेदु पिया को हैप्पी बर्थडे बोल दो। देख वो पार्टी देंगे आज, आज तो क्या है वो हमारे भांजे और भांजी जो है वो सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, तो ये वीडियो आएगा तब तक तो सरप्राइज हो जाएगा, कुछ डेकोरेशन वो सब कर रहे हैं। हैप्पी बर्थडे बोल दे सिया को, अंकिता पिया को, वेदु हैप्पी बर्थडे अंकिता पिया, बोली दे मैं देखो बोली दे એટલે હે ને પાર્ટી આપવાના છે ઈ લે સી ઓય બોલે તું બોલ દે બોલ દે વેદુ જો યે મમ્મી બોલ રહે ક્યા 90 રૂપે કી ચોકલેટ લાયા હે। हाँ वो सीक्रेटली प्लान कर रहे हैं अपने मम्मी का बर्थडे दोनों बच्चे। वेदू बोल दे हैप्पी बर्थडे। नहीं कोई बात नहीं, तू लाइव बोल दे, बोल देना। इसको देखो ये बोल रहा है हैप्पी बर्थडे, बोल दे दीका। देखो कैसे घूर घूर के देख रहा है, बोलिए हैप्पी बर्थडे पिया, हैप्पी बर्थडे पिया।